दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं डॉक्टर एस ए खान, सीनियर न्यूरोफिजियो कंसल्टेंट। हम बात करेंगे पक्षाघात के लक्षणों पर। आमतौर पर मेरे से बहुत बार पूछा जाता है कि हम कैसे पहचाने कि हमें पक्षाघात हो रहा है। और पक्षाघात में यानी फालिस में ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है कि अगर आपके चेहरे, आपके हाथ, पैर या शरीर के दोनों ओर कमज़ोरी या सुन्नपन का एहसास होता है तो समझिए कि ये पक्षाघात के लक्षण हैं। दोस्तों, पक्षाघात में बोलने में और समझने में भी कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। किसी पेशेंट्स को समझ नहीं आता, किसी पेशेंट्स को बोलने में प्रॉब्लम होती है, किसी पेशेंट्स के साथ साथ चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के ज़मीन पर गिर जाता है, एक या दोनों आँखों से उसे दिखाई नहीं दे सकता, परेशानी आती है उसे देखने में, अचानक उसको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर दोस्तों इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम्स किसी भी मरीज़ को अनुभव में आते हैं, उसे महसूस होते हैं, समझो इट्स अ इंडिकेशंस कि ये पक्षाघात के लक्षण हैं और वक्त रहते हुए अपने उपचार कराएं। तो दोस्तों, ये थे पक्षाघात के लक्षण। इसके बचाव और पक्षाघात की जानकारी अलग अलग तरीक़े से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर एक अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। आदाब।